welcome to Gyanamatics. this is sumedha singh and in today's video we are going to be talking about afcat 1 2021 in this video we will talk about uh, the detailed syllabus of afcat so that uh, you know you'll be able to inch closer towards that dream of yours of touching the sky with glory also we will be talking about the vacancies uh, this year and uh, let's begin so uh, first of all you know if you are aiming for technical duties you are going to be having two exams that will be afcat and ekt if you are aiming for non technical duties you are going to be uh, you know you are going to have only one examination that will be afcat itself so right now we will only talk about afcat uh, this entire examination of afcat is uh, you know it consists of 300 marks and you're going to have 100 questions 3 marks each now uh, the negative marking for each question that is you know each of your negative attempt would be minus 1 marks and the duration for the examination would be 2 hours all right. So uh, this is these are just little you know hints of you know the facts that you have for this AFCAT examination. Now we will be talking about the syllabus of Afcat. हाँ बिफोर आई बिगिन आई आई वुड वॉन्ट टू टेल यू दैट आफ कैथ इज़ यू नो अ व वेरी बेसिक एग्जामिनेशन बहुत इसमें डिटेल्ड नहीं आता है मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो चिडन आ कन्फ्यूज कि हमें सी डी एस में जिस तरीके से करंट अफेयर्स करते हैं क्या उसी तरीके से आफ कैट करना चाहिए तो सबसे पहले लेट मी मेक दिस वेरी क्लियर आफ कैट इज नॉट एज डाइनमिक एज सी डी एस इज़ ठीक है तो आफकात में करंट अफेयर्स में आपको क्या आना चाहिए क्या पढ़ के जाना चाहिए सो फॉर करंट अफेयर्स राइट नाओ ओके For uh, your current affairs right now, uh, I'll say Aapko sabse pehle you need to know uh, the defense uh, deals.

से निकल जाता है तो इसको आपने रिवाइज जरूर करना है इसके बाद आपसे करंट अफेयर्स में जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड और right. इसमें आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड पूछा जाएगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको क्या आ सकता है इसमें यू नीड टू नो लेट्स ए टूर्नामेंट्स वम्बलिडिन वगैरह हो गए इन टूर्नामेंट्स में यू नो हु हुन दिस टूर्नामेंट्स मैक्सिमम अगर आपसे कुछ और पूछ लेंगे ये तो इसमें पूछेंगे कि नोबेल प्राइजेस में विनर्स कौन है ठीक है दोज आर द काइंड ऑफ करंट अफेयर्स दैट यू नीड टू डू हियर नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट स्पोर्ट्स हेर इज नदर थिंग दट आई नीट टू टेल यू स्पोर्ट्स में आपको टर्म्स पता होनी चाहिए टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए लाइक यू नो बास्केटबॉल फुटबॉल यू नो हॉकी इनमें जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं इनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं बहुत ही बेसिक सी चीज़ है आप एक बार यू नो यू नीड टू आई एनजिस्ट कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखें इन टॉपिक्स के लिए स्पेशली स्पोर्ट्स uh, के लिए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दीज क्वेश्चन दे रिपीट ओके आपका कैट में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं सो प्लीज़ टेक अ लुक एट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स all right so uh, this was about current affairs now another thing that we need to talk about uh इज़ योर जनरल अवेयरनेस तो जनरल अवेयरनेस में देखिए आपको क्या करना है नाव वी आर टॉकिंग अबाउट स्टैटिक जनरल अवेयरनेस यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट डायनामिक हम स्टैटिक की बात करें तो so, इसमें सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट हिस्ट्री हिस्ट्री जो है इज़ वेरी डिफरेंट दैन वॉट यू पी एस सी आपसे पूछेगा इसमें जो हिस्ट्री होगी विल बी वेरी सिंपल फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन था कि सबसे पहली वुमन प्राइम मिनिस्टर कौन है ठीक है तो इस तरह के बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन होते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू नो की जो बैटल्स हैं ठीक है उनकी क्रोनोलॉजी क्या क्या है कहाँ पे दे देवो हेल्ड या किन जगहों में किस साल यू नो दे देवो हेल्ड फॉर एग्जांपल बैटल ऑफ प्लासी बैटल ऑफ पानीपत तो ये कहाँ कहाँ पे हुई थी दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू नो ऑल राइट सो ये आपका हिस्ट्री में है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में भी यू नीड टू असोशिएट द क्रोनोलॉजी विद द इवेंट्स ठीक है यू नीड टू नो कि किस पर्टिकुलर ईयर में हुआ था इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी टफ यू जस्ट नीड टू रिमेंबर द डेट्स ऑल राइट नाओ दैट वॉज फ्रॉम हिस्ट्री नेक्स्ट दैट वी अगर बी टॉकिंग अबाउट इज़ योर पॉलिटी अब पॉलिटी जो है देखिए यू पी एस सी सिविल सर्विसज़ में सी डी एस में बहुत ही डिफ़िकल्टेश्चन्स आते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर वैसा नहीं है यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड एक यू नो बहुत ही स्टार्टिका सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा फॉर एग्ज़ाम्पल लिये कि ये पर्टिकुलर राइट right है क्या ये इंडिया में है क्या ये फंडामेंटल राइट right है क्या ये एक यू नो लीगल राइट है तो दी आदा काइंड ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे या आपसे पूछ लिया जाएगा कि यू uh, नो you know, एक प्रेजिडेंट की पावर्स क्या क्या होती हैं यू नो दिस आर दाइंड ऑफ क्वेश्चन दे विलस कैन देयर नॉट गी एज एनालिटिकल और एज यू नो एज़ डिफ़िकल्ट एज यू वुड एक्सपेक्ट इन अदर एग्जामिशन ऑफ़ यू पी एस सी और एज ए सी डी एस सो यहाँ से आपको पॉलिटी का थोड़ा सा पार्ट करना है यू नीड टू नो की एलिजिबिलिटी क्या है पर्टिकुलर इन पोस्ट्स की मान लीजिए यू नो लोकसभा स्पीकर की uh, पोस्ट है या राज्यसभा चेयरमैन की पोस्ट है तो इस तरह की बहुत ही बेसिक्स की सिविक्स से रिलेटेड आपको पता होनी चाहिए कि uh, पंचायती राज कैसे यू नो हाउ डज एड वर्क म्यूनिसपालिटीज़ कैसे वर्क करती हैं तो बहुत ही सिंपल सा है और राइट तो नेक्स्ट थिंग दैट्स यू नीड टू डू ह्योर इज़ आर्ट एंड कल्चर अब आर्ट एंड कल्चर में आपको क्या करना है यू नीड टू मेमोराइज लिटरली यू नीड टू मेमोराइज द डांसर्स ठीक है कि ये पर्टिकुलर डांस फॉर्म जो है ये कहाँ का है और राइट हॉर्न बिल फेस्टिवल मान लीजिए बहुत न्यूज़ में रहता है तो ये कहाँ पे होता है सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू यू नीड टू मेमोराइज़ देम एंड अगेन आई एम टेलिंग यू आर प्रीवियस क्वेश्चन से भी इनको पढ़ सकते हैं दिस इज़ वेरी हेल्पफुल अपार्ट फ्रॉम दिस आपको इस में क्या करनी है यू नीट टू डो अ लिल बिर ऑफ जोग्रफ़ी ठीक है जोग्रफी में आपको क्या करना है जोग्रफी में आपको यू नीट टू नो की यू uh, नो you know, uh, ये पर्टिकुलर माउंटेन रेंज कहाँ है वेस्टर्न हिमालज में यू you नो know, कौन से माउंटेंस हैं सागरमथा में बोलूँ कौन है कहाँ है दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन तो यू you नो know, कौन सी हिमालयन रेंज में आता है या लेजसे सागरमथा किस पर्टिकुलर माउंटेन का नाम है ऑल्टरनेटिव और नाम है तो यू नो अ लिल बर्ड ऑफ दिस यू नीड टू नो एंड लाइक दे मैं आज की थी कि ब्रह्मपुत्र जो है यू you नो know, जब वो इंडिया में एंटर करती थी तो टेक्स अ शार्प यू टर्न तो वो कहाँ से लेती है ठीक है तो बहुत ही सिंपल से बेसिक से क्वेश्चन हैं इंडियन ज्योग्रफी के जो थोड़े बहुत इसमें आ जाते हैं फिजिकल जियोग्रफी वर्ल्ड जोग्रफी से बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं आता है बहुत ही रेयर है कि कभी कुछ आ जाएगा बट वो बहुत ही कम आता है इसमें भी अगर आपको कुछ करना है तो लैंड फॉर्म्स करिएगा फ्लूवियल डिपॉजिट्स जो होती हैं या मतलब रिवाइंस वगैरह जो बनते हैं कैसे बनते हैं क्या नाम है यू डोंट नीड टू डू लर्न द प्रोसेस बट यू नीड टू नो कि यह पर्टिकुलर लैंड फॉर्म किस यू नो फोर्स से एसोशिएटेड है जैसे भी लेकिन बहुत ही रेयर कभी इससे अगर कोई क्वेश्चन आया हो तो सो दिस इज फ्रॉम जोग्राफी नाउ अनदर एस्पेक्ट ऑफ जनरल अवेयरनेस इज योर जनरल साइंस अब जनरल साइंस में आपको क्या करना है जनरल साइंस में आपको बायोलॉजी करनी है अगर आप यू नो नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो बायो इज समथिंग जो आपको याद नहीं होगा सो so, बायो में यू नो यू जस्ट नीड टू लर्न अ लिल बिड अबाउट हाउ यू नो दिल अबाउट बॉटनी एंड अ लिल बिड अबाउट ह्यूमन एनाटॉमी तो uh, इसमें भी यू नो यू विल बी मोर देन अनफ लाइक यू नो बेसिक से क्वेश्चन होंगे अबाउट टिशूज एंड यू नो एंड फ्लोएम किस तरीके से मेरिस्टमेटिक टिशूज़ क्या होते हैं एपिकल टिशूस तो दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो बायो से पूछे जाएंगे इसमें एंड फ्रॉम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इट्स इसके बी केमिस्ट्री बहुत ही फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ही बेसिक से आते हैं सो आई सजेस्ट आप प्रीवियस क्वेश्चन इनमें देख लीजिएगा एक बार फिजिक्स में ऑप्टिक्स से कई बार पूछ लिया जाता है सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू डू फॉर जनरल अवेयरनेस Now, uh, apart from general awareness, there is another thing that you need to cover is your English. All right, English. Now, ki jo English hai, is different from the English in CDS. CDS mein English is grammar-based. आफकेट में भी इंग्लिश ग्रामर बेस्ड आती है बट आफकाट में वोकेबलरी के क्वेश्चन जो हैं दे आर वेरी टफ और राइट द वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन इवन इफ यू थिंक यू लाइक वेरी यू नो यू वोकेबलरीरी इज स्ट्रॉग स्टिल आइट सजेस्ट दैट आफकाट नोज हाउ डू यू नो शार्ट एट दैट लिल मेथ ऑफ योर्स सो प्लीज़ यू नो टेक अ लुक एट द प्रीवियस योर क्वेश्चन अगैन ही फॉर वोकेबुलरीरी इज वेल सो एट यू गेट गेट अ लिल बरफ एंड आइडिया कि आपको कितना उसमें से आता है एंड आइट से कि अभी भी यू हैव अफ टाइम सो ट्राई रीडिंग न्यू वर्ड्स एंड यू नो मेमोराइजिंग न्यू वर्ड्स each day so that you're just enhancing your vocabulary not just for you know this exam but also for ssbs as well you know so uh may you know vocabulary based and grammar mein it's just very simple sentence composition error detection and then comprehension again ना कॉम्प्रीहेंशनस आप बेसिकली देर जनरली वेरी इजी समटाइम्स एक आधा कोई कॉम्प्रिहेंशन का पैस पैसेज है जो बहुत टफ़ आ जाता है तो उसमें देखिए फॉर कॉम्प्रीहेंशन ऑल्सो एंड फॉर योर मेंटल एबिलिटी जिसमें आपकी स्पेशल एंड वर्बल एबिलिटी आती है आई वुड सजेस्ट कि आप प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दें एंड यू प्रैक्टिस एन टू थिंग्स यू नीड टू प्रैक्टिस यर और राइट फर्स्ट थिंग इज़ द फर्स्ट थिंग इज़ योर प्रीवियस यर क्वेश्चन और राइट द प्रीवियस यर क्वेश्चन And the second thing is try to create your own question bank. Okay. That depends a lot on how much you're scoring, what is your target. Now, if your target is, uh, you know, uh, trying to get more than 180, 160, so try, uh, you know, to uh, solve banking questions, actually. A little bit of banking questions and a little bit of, uh, let's say, questions that are asked in examinations like CAT. Okay. Now, what happens here is that you are practicing for something that is tough. This will help you in, you know... Improving your accuracy and speed for Afcat so that you know you're able to score more. The goal here is not just to clear Afcat, but to score so much so that you do not miss the merit because the merit usually is very high, especially for girls here. So uh, you know, try to practice more typical questions because here the quant and uh the phys uh the quant and medical uh, mental ability questions that are asked here what tough but they are something that you know uh, they require accuracy and a lot of your speed okay they're very easy questions especially if you're coming from non-medical background let's say but if you're not from non-medical background you really need to practice so these should be your practice sets all right so uh I think that is enough for your mental ability and you know uh, all of those questions soon we will be bringing a series of previous year questions both for general awareness uh, current affairs as well as uh, you know uh, the questions on maths as well so uh that was it about uh, the syllabus and detailed syllabus and how you need to go about it now let's just uh, take a last look at the vacancies here in uh, this official notification released by uh, the Indian air force here you can see sadly this time there is no non-technical ground duty vacancies for women all of those vacancies are for men and in case you are you know hoping to get into the flying branch through afcat uh, and you know try to get a permanent commission i'm sorry that will not be able to uh, you know you'll not be able to get that here because um, i think this is not new this has always happened um, you know since time uh that afcat you know if you want to get into flying and you know you're only going to get short service commission here through afcat and that'll be for 14 years and that'll not be extendable a lot of uh, the afcat aspirants do not know the flying aspirants do not know that but through afcat you'll be eligible only for short service commission for flying all right. And that'll be 14 years and that will not be extendable. Uh, and another thing here is that this time, again, as I just said, women do not have vacancies, but that is OK because women are eligible for flying. Women are eligible for technical. Again, that depends upon the specifications and, you know, your uh, graduation background. So uh, these are the vacancies here and i think you might have noted it down already if you've not do that please you need to have a little bit of an idea for what you're aiming for and uh, start practicing from today today itself we will be bringing previous year question papers very soon for your practice and a lot of mock tests for you so uh, like the channel stay tuned and subscribe and thank you very much